लाया मन आपका क्या है जी का सब आप हमने आज वो लिख रहा हूं ये रहा कि दिन की रोशनी में सीज पहले भाई पहुंचेंगे और इंशाल्लाह जो भाई काल है भाई उसके हिसाब से आगे चलेंगे वो करेंगे अगर कहीं काम पे आएंगे तो उनके साथ भी ये साथ उसने जो की कोशिश की आप पे होंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल पेश किया है कि जो सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ जाना चाह रहा है वो हिंदुस्तानी बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं और उस एजेंडे का हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसी तरह का जो कमेंट्स हैं वो हिंदुस्तान की तरफ से भी आ रहे हैं कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान इनको भेज रहा है, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इनको भेज रहा है। तो इससे एक बात तो वाजिया हो जाती है कि ना हम हिंदुस्तान के साथ भेज रहा है हमें और ना पाकिस्तान भेज रहा है, बल्कि हमें कश्मीर भेज रहे हैं, हम कश्मीर के वफादार हैं, रियासत के वफादार हैं और रियासत के बयानी को लेकर 63 डेज हो चुके हैं, रियासत के हालात इंतहाई मखदूश हैं, क्या आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन को फौरी टेक ओवर करना चाहिए पूरी रियासत? बिल्कुल हमारा ये मुतालबा है कि इन दोनों अफवाज का यहाँ से इखला करके अकवाम मुत्तहिदा टेक ओवर नहीं करना चाहिए, अकवाम मुत्तहिदा को यहाँ पे आना चाहिए, सीज़ फ़ायर लाइन के ऊपर इन फौजों को रिप्लेस कर यहाँ करना चाहिए, रहशुमारी का एहतमाम। आप बेस कैंप के जो कश्मीरी हैं उनको क्या पैगाम देंगे अपने इस बारे में? आज खसूस कहना चाहता हूँ मुजफ्फराबाद डिवीजन पूंछ डिवीजन के लोग जो नज़दीक हैं नौजवान खसूस के वो पहुँचें और इस मार्च को ज्वाइन करें, पूरी दुनिया इस मार्च को देख रही है, जितने भी मुहिब वतन कश्मीरी हैं हमारे वकला ताजर तालबे इलम मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान कि ये कौमी मार्च है, हमने जो कौम से वादा किया था हम उस पर उसी तरह पूरा उतर रहे हैं, इसमें सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं, JKLF सिर्फ उसको लीड कर रहा है, हमारे मुतालबात बड़े क्लियर हैं, हम भारतीय मकबूजा कश्मीर में जुल्म व जबर का खात्मा चाहते हैं, हम सीज़ फायर लाइन का खात्मा चाहते हैं और हम राय शुमारी चाहते हैं सारे लोग। इंतजामिया की तरफ लोगों को हमें ज्वाइन करना चाहिए, लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। इंतजामिया की तरफ से अगर आपको रोक दिया जाता है सीज़ फायर लाइन अबूर करने जा रहे हैं आपकी एक ये हमारा अभी अभी तो इस पर क्या जी अभी अभी हमारे यहाँ जो डिसीजन हुआ है हमारी जो पार्टी का इजलास हुआ है उसमें ये डिसीजन हुआ है कि जहाँ हमें रोका जाएगा हम वहाँ बैठेंगे और फिर उनसे खोलेंगे कि वो रोका।